आ वक्त एशियन गेम्स में भारत खिलाड़ियों 100 થી વધુ મેડલ જીત્યા છે ત્યારે આજ ખેલાડીઓને સંબોધી રહ્યા છે વડાપ્રધાન મોદી સાંભળીએ की जड़ी लगा दी और आप देखिए महिला शॉटपुट में 72 साल बाद 4x400 मीटर में 61 साल के बाद आफ्टर 61 ईयर्स घुड़सवारी में 41 साल बाद और पुरुष बैडमिंटन में 40 साल के बाद हमें मेडल मिला है। यानी 4-4, 5-5, 6-6 दशक तक देश के कान ये खबरें सुनने के लिए तरस रहे थे, आपने वो पूरा किया है। आप सोचिए कितने वर्षों की प्रतीक्षा आपके पुरुषार्थ ने समाप्त की है। साथियों, इस बार एक खास बात और रही जिसका जिक्र मैं जरूर करना चाहूंगा। हमने जितने भी खेलों इवेंट्स में हिस्सा लिया उसमें से ज्यादातर यानी एक प्रकार से हर एक में कहीं ना कहीं हम कोई ना कोई जो कैनवास बढ़ रहा है ये भारत के लिए बहुत शुभ संकेत है। 20 इवेंट तो ऐसे थे जिनमें आज तक देश को पोडियम फिनिश मिली ही नहीं थी। अनेक खेलों में आपने सिर्फ खाता नहीं बल्कि एक नया रास्ता खोला है, एक ऐसा रास्ता जो युवाओं की पूरी पीढ़ी को प्रेरित करेगा, एक ऐसा रास्ता जो अब एशियाई खेलों से आगे बढ़कर ओलंपिक्स के हमारे सफर को नया विश्वास देगा। साथियों, मुझे इस बात का भी गर्व है कि हमारी नारी शक्ति ने इन खेलों में जबरदस्त प्रदर्शन किया है। जिस जज्बे के साथ हमारी महिला खिलाड़ियों ने अपना प्रदर्शन किया वो बताता है कि भारत की बेटियों का सामर्थ्य क्या है। भारत ने एशियन गेम्स में जितने मेडल जीते हैं उनमें से आधे से ज्यादा हमारी फीमेल एथलीट्स ने जीते हैं, बल्कि इस ऐतिहासिक सफलता का शुभारंभ भी हमारी महिला क्रिकेट टीम ने ही किया था। बॉक्सिंग में बेटियों ने सबसे ज्यादा मेडल जीते, ट्रैक एंड फील्ड्स में तो ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारी बेटियां सबसे आगे निकलने के लिए ही उतरी है, जैसे तय करके आई है। भारत की बेटियां नंबर 1 से कम में मानने को तैयार नहीं है और यही नए भारत की स्पिरिट है, यही नए भारत का दम है। नया भारत अंतिम परिणाम तक, अंतिम विजय की घोषणा होने तक अपना प्रयास छोड़ता नहीं है। नया भारत अपना सर्वश्रेष्ठ देने की, सर्वश्रेष्ठ करने की कोशिश करता है। मेरे प्यारे एथलीट्स, आप भी जानते हैं कि कभी भी हमारे देश में टैलेंट की कमी नहीं रही है। देश में जीत का जज्बा हमेशा था। हमारे खिलाड़ियों ने पहले के समय में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन बहुत सारी चुनौतियों की वजह से
मेडल के मामले में हम पीछे ही रह जाते थे। इसलिए 2014 के बाद से भारत अपने स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को आधुनिक बनाने में, उसके कायाकल्प में जुटा है। हमारा प्रयास है भारत के खिलाड़ी को दुनिया की बेस्ट ट्रेनिंग फैसिलिटीज मिले।